वो कहते थे कि अपने आप को कम्बत मांगो, कम्बत मांगो, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं, यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे। दूसरी भी एक बात बड़ी मजेदार विवेकानंद जी क्या करते थे, वो कहते थे, और उस जमाने में 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा हुआ करते थे, वो कहते हैं कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा पाठ करो, 33 करोड़ देवी देवता तुम पर आशीर्वाद बरसाए, सारी कृपा बरसाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ नहीं करेंगे। हमारी यहाँ आराध्य देवी सरस्वती माता, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को क्या डाल रहे, ऐसा क्यों करते हैं? सामान्य तौर पे सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर होगा वहां जरा। मैं जब छोटा था तो मैं उसकी मजाक उड़ाता था और मैं कहता था कि हनुमान जी को इसलिए नमन करके जाता है कि अगर एग्जाम में चोरी करने के लिए कोई चीज लेके गया है और पकड़ा गया तो मास्टर जी को पता होना चाहिए, हनुमान जी का भक्त है, दिखा देगा। खैर वो तो मैं स्कूल के अंदर चुटकुले सुना देता था तो उसका मुझे विश्वास था, लेकिन हकीकत ये है कि मन में एक भाव रहता है आत्मविश्वास का, ये बहुत आवश्यक होता है, और ये आत्मविश्वास को जड़ी बूटी नहीं देती कि मम्मी कहते हैं आज एग्जाम में जाने से पहले ये टैबलेट ले लेना, वो ऐसे नहीं होता है। आत्मविश्वास वो कोई लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। कभी मान लीजिए हमारे घर में कहीं पर छोटी पहाड़ी है या घर के पास कहीं कोई बड़ा मकान है, स्टेयर के होता है कि अभी 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं, 3 दोस्त सबसे पहले स्टेयर के पे कौन चढ़ के जाता है,